वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको एक जूते का बहुत प्यारा सा डिजाइन बताने वाले हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने सिर्फ इसमें एक ही रो को रिपीट करा है और ये हमारा जूते का डिजाइन है। देखिए, एक रो जो बनानी थी वो इस तरह से बनानी है, सिर्फ उल्टी बुननी है। और मैंने इसमें स्टार्टिंग में मैंने समझिए 22 फंदे डाले हैं। ये 5 नंबर और 6 नंबर के जूते हैं जो आप सर्दियों में अपने लिए बहुत इजीली बना सकती हैं। देखिए, इसकी फर्स्ट रो जो हमने बुनी थी वो हम आपको इस तरह बताते हैं। देखिए, इस तरह से आपने हर सिलाई को उल्टा ही बुनना है। इस तरह से ये सिंपल था, तो मैंने इसकी कंप्लीट पट्टी बना ली है। मैं भी आपको बताऊंगी इस रो के बाद कि हमने कितनी लाइनें बुननी है इस जूते में। ये देखिए, इस तरह से आपने हर रो में उल्टा ही बुनना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे की जो ये मैंने पट्टी बनाई है, ये मैंने 48 लाइनें यानी 48 रो बुनी है। इस तरह से आप गिनेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
पीले वाले ऊन से 10 लाइनें पीले से बुनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इससे बुनी है, फिर मैंने ब्राउन से 2 लाइनें बुनी है, फिर पीले से 2, तो ब्राउन की 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लाइनें मैंने ब्राउन से बुनी है। इस तरह से हमने ये पट्टी तैयार कर ली है फ्रेंड्स, और मैंने आपको उल्टी सिलाई बता दी है, तो हर रो में आपने इसी तरह बुनना है। फिर इसके बाद देखिए, अब हम यहां से इस तरह से ये देखिए, फिर दूसरी सिलाई बुनेंगे तो वो भी हम उल्टी ही बुनेंगे इस तरह। लास्ट में इस तरह बनी है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे ये देखिए, अब हमने यहीं पर इसको बंद करना है फंदों को, तो देखिए इस तरह लीजिए, एक बुनिए इस तरह से, पहले आपने 2 फंदे फ्रेंड्स इस तरह से बुनने हैं, ये देखिए ये 2 फंदे बुनिए, फिर इस पे रखिए, फिर दूसरे वाले फंदे के साथ बुनिए, फिर इस फंदे को इस सिलाई पे रखिए और इन 2 फंदों को इस तरह बुनिए, फिर इसको रखिए। तो इस तरह से हम इसे बंद कर रहे हैं। इस तरह फ्रेंड्स मैं इस पूरे फंदों को बंद करके बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से पूरी पट्टी तैयार हो गई, ये देखिए, आपने ये ध्यान रखनी है कि 1 2 3 4 5 6 7 और इसके बाद ये हमने बंद करा है यहाँ पर। इस तरह से आप इसका आइडिया लगा सकती हैं, ये पट्टी तैयार हो गई जूते की। अब देखिए फ्रेंड्स हमने क्या करना है, यहाँ से हमने इसमें फंदे उठाने हैं, ये देखिए इस तरह से आपने फंदे उठाने हैं, ये लीजिए
और इस तरह से आपने इसके अंदर से निकालना है। ये देखिए हर लाइन में से आपने निकालना है, यहां से हमारी पट्टी तैयार हो गई है। अब देखिए पट्टी के बाद हमने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से एक साइड से हमने हर लाइन में से एक एक फंदा लेना है। आप देखिए बहुत इजीली फंदे उठाने बताती मैं आपको। आपने देखिए ऐसे करना है, बस इसके बीच में क्रोशिया रखिए और यहाँ से आपने इस तरह से फंदे निकालने हैं और इस तरह सिलाई पे रखने हैं। इस तरह से देखिए हर लाइन में से निकालने हैं और सिलाई पे रखते रहिए। ये देखिए इस तरह, ये देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से मैं इस पूरी रो के फंदे उठाती जाऊंगी। ये देखिए ये है, इजीली आप उठा उठा के इसमें डालते जाइए बस। ये देखिए तो मैं पूरे फंदे उठाकर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैंने हर लाइन में से देखिए दो दो फंदे, सब लाइनों में से मैंने एक एक फंदा उठा लिया है और मैंने सीधी तरफ से फंदे उठाए हैं। उठाने के बाद फ्रेंड्स हमने देखिए अब क्या करना है, बैक साइड है इसका, ये देखिए बैक साइड में हमने इस पूरी रो को फ्रेंड्स हमने पूरी रो उल्टी बुननी है। फ्रेंड्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ऊपर से किस तरह से घटाना है बढ़ाना है इस जूते को वो मैंने उसमें बताया हुआ है। और आप इससे अलग जूते देखने चाहते हैं तो मेरी अगली वीडियो, बहुत सी पीछे की वीडियो जो हैं जो मैंने डाल रखी हैं उन्हें आप चेक कर सकते हैं। अब भी सर्दियां आ रही हैं तो आप अपने लिए जिन्हें सिंपल सी उल्टी बुनाई आती है वो अपने लिए इस शूज को बना सकती हैं। तो देखिए उल्टी साइड की इस वाली पूरी सिलाई को मैं उल्टा बुनकर बताती हूँ कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स मैंने उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी बुन ली है। अब देखिए फ्रेंड्स हम सीधी तरफ आ गए हैं। अब देखिए फर्स्ट रो के बाद देखिए अब ये सेकंड रो है ऊपर की। तो देखिए फ्रेंड्स सेकंड रो हमने इस तरह से 24 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, और ये 24। देखिए ये 24 फंदे मैंने उल्टे बुन लिए हैं फ्रेंड्स। अब देखिए 24 फंदे इधर से छोड़ करके फ्रेंड्स हमने बीच के सारे फंदों को एक हर दो फंदों को एक साथ बुनना है। बीच में जितने भी फंदे हैं 24 फंदे इधर उल्टे बुने जाएंगे, 24 फंदे इधर उल्टे बुने जाएंगे इस साइड में, और बीच के सारे फंदों को हमने एक दो फंदों को एक करना है। इस तरह से बीच के सारे फंदे उल्टे बुन लीजिए 24 फंदे छोड़ के। मैंने बीच के सारे फंदे एक फंदे के दो कर लिए, यानी फंदे यहाँ से घटा लिए हैं और इन 24 फंदों को मैंने उल्टा बुन लिया है। तो सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए थर्ड रो जो बुनेंगे फ्रेंड्स हम ऊपर की, तो थर्ड रो फ्रेंड्स हमने पूरी उल्टी बुननी है। इस तरह से मैं थर्ड रो उल्टी बुनकर फोर रो में बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड्स मैंने थर्ड रो देखिए पूरी उल्टी बुन ली है। आप देखिए फ्रेंड्स फोर रो जो बुनेंगे तो फोर रो में फ्रेंड्स हमने क्या करना है, पहले 24 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। तो 24 फंदे उल्टे बुनकर मैं बताती हूँ आपको। देखिए
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए मैंने 24 फंदे उल्टे बुन लिए हैं और ये जो मेरे बीच के फंदे हैं फ्रेंड्स, ये वाले, अब इन फंदों को हमने फिर से घटाना है, यानी दो फंदों का एक करना है और इधर के 24 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। तो इस तरह से हम 4 रो कम्प्लीट करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए हम दो फंदों को एक करेंगे, बीच के फंदों को। देखिए मैंने बीच के फंदों को एक, दो फंदों को एक कर लिया है और अब जो फ्रेंड्स ये मेरे 24 फंदे बचे हैं, मैंने उल्टा बुन लेती हूँ। उल्टा बुनकर नेक्स्ट रो जो हम बुनेंगे उल्टी साइड से फ्रेंड्स, उसे भी हमने पूरी उल्टी ही बुननी है। तो इन पहले इन फंदों को आगे की तरफ से 24 फंदे उल्टे बुनिए, फिर पीछे की तरफ से हमने पूरी सिलाई उल्टी बुननी है। देखिए फ्रेंड्स ये 24 फंदे मैंने उल्टे बुन लिए हैं। अब उल्टे बुनने के बाद हमने उल्टी साइड से ये वाली रो पूरी उल्टी ही बुननी है। तो ये रो पूरी उल्टी बुनकर बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। फ्रेंड्स उल्टी सिलाई मैंने पूरी उल्टी बुन ली है, ये देखिए उल्टी तरफ से। और अब फ्रेंड्स देखिए हम फ्रंट साइड पे सीधी तरफ आ गए हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, दो फंदों को इस तरह बुनेंगे और इसे चढ़ा लेंगे। अब हमने इसको बंद करना है, यानी कि यहाँ से अब हम इसे पूरा ख़त्म करते चल रहे हैं, यानी फिनिश कर रहे हैं इसको, यहाँ से बंद कर रहे हैं। दो फंदे एक साथ बुनिए और दो फंदे इस तरह से एक साथ बुनिए। बुनने के बाद इसी फंदे को सिलाई पे रख दीजिए, फिर इन दो फंदों को बुनिए, फिर इसे सिलाई पे रख दीजिए, दो फंदों को बुनिए और इसे सिलाई पे रख दीजिए। इस तरह से देखिए ये हमारा बंद हो जाएगा। तो इस तरह से इस रो को मैं पूरी बुनकर बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए मैंने सारे फंदों को बंद कर लिया है। अब देखिए इसे पलट देंगे और पलटने के बाद देखिए फ्रेंड्स इसकी सिलाई करेंगे। तो पहले यहाँ से सिलेंगे, फिर यहाँ से सिलेंगे, यहाँ तक सीकर मैं बताती हूँ, क्योंकि यहाँ से फ्रेंड्स आपने गोलाई से सीना है। यहाँ से मैंने सिलाई कर ली है, ये देखिए यहाँ तक आ गए हैं। और अब देखिए बीच में फ्रेंड्स हमने इस तरह से, देखिए इस तरह से जिसे कच्चा करते हैं, इस तरह से हमने इस तरह से सीना है, ये देखिए इस तरह। और फिर देखिए यहाँ से इस तरह से, और इसको देखिए खींच लेंगे इस तरह से, ये गोल आ जाएगा। इस तरह से ये गोल आ जाएगा। देखिए इस तरह से एक साइड से इस तरह और दूसरे साइड से थोड़ा डिजाइन वाला, इस तरह से तैयार हो गया हमारा जूता। फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पे एक बो लगा सकती हैं या आप यहाँ पर एक फ्लावर लगा सकती हैं।